और नीच ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज की टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज की टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बताते चलें कि संपूर्ण CDP आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। केवल आपको इसमें लगभग 27-28 वीडियो की संभावना है, अभी आज 23वां वीडियो है। और प्लेलिस्ट की लिंक आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली सभी संपूर्ण CDP देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो शैक्षणिक प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? बालक का। शैक्षणिक प्रक्रिया में बालक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन केंद्र मानकर किया जाता है, तो संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन केंद्र किसको मान किया जाता है? विद्यार्थी को। ठीक है ना, संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन जो है विद्यार्थी को केंद्र मानकर किया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थी सेंटर है, जान लीजिए। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक था, तो कौन था? रूसो। मीन्स रूसो ने ही शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर CTET एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसके अलावा DLED में भी एग्ज़ाम में या BTC के एग्ज़ाम में, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया, तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। ठीक है ना, रूसो का ये फेमस नारा था, प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, तो बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुल 4 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है प्रेक्षण, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है अंतर, और चौथा है मनोविश्लेषण। ठीक है, बालक का अध्ययन करने के लिए कुल 4 मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। पहला प्रेक्षण है, दूसरा प्रयोग, तीसरा अंतर, चौथा मनोविश्लेषण। ठीक है ना, प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर निरीक्षण और मनोविश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, भारतवर्ष में 100% माने 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए, तो 100% साक्षरता हेतु जो कार्यक्रम चलाए गए वो थे साक्षरता आंदोलन। क्या? साक्षरता आंदोलन जो चलाया गया वो भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु चलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तो नई शिक्षा नीति का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? 1986। नई शिक्षा नीति का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? 1986। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभिक शिक्षा के जो नवीन प्रयास प्रारंभ हुए नई शिक्षा नीति से। ठीक है, नई शिक्षा नीति से प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास प्रारंभ हुए।
नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा की गई, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा 1986 में की गई, ठीक है, कब की गई, 1986 में, इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा कब की गई, तो 1986। अगला महत्वपूर्ण है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आप डायट कहते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मीन्स डायट की स्थापना की गई, तो किसके प्रस्ताव पर की गई, यही प्रश्न है कि डायट की स्थापना किस नीति के प्रस्ताव पर की गई, तो नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य है, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना, ठीक, प्रश्न उल्टा करके भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार कौन कर सकता है या कौन करता है, तो डायट मीन्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो जो प्राइमरी विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है ट्रेनिंग की, वो डायट पर होती है, डायट मीन्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर, ठीक है, जैसे मान लो BTC वाले तो भाई ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं BTC या DLED वाले, लेकिन अगर BEd का कोई कैंडिडेट प्राइमरी में सेलेक्ट होता है तो उसको 6 महीने की ट्रेनिंग किसी डायट पर ही दी जाती है, मीन्स उसको प्रशिक्षित किया जाता है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हेतु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है, तो जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में डायट कार्य करता है, कौन कार्य करता है, डायट, जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कौन कार्य करता है, डायट। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन होता है, तो विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कहाँ, मैंने विद्यालयी कार्यक्रम जो होते हैं, यहाँ विद्यालय लिख रहा है, विद्यालयी कार्यक्रमों का संचालन कौन कहाँ होता है, डायट पर, ठीक है ना, विद्यालयी कार्यक्रमों का संचालन डायट पर होता है। चलिए आगे देखते हैं, गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है, कौन करता है, डायट, गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, डायट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा संबंधी परियोजनाएं संचालित करता है, तो प्रारंभिक शिक्षा संबंधी परियोजनाएं जो है वो डायट करता, मैंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट जितने भी हैं लगभग सभी इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार CTET, TET, सुपर TET या अन्य परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 को भी याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ, 1987। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव जो है नई शिक्षा नीति द्वारा 1986 में पारित हुआ था, और प्रारंभ कब किया गया, 1987 में, मीन्स नई शिक्षा नीति द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रस्ताव पारित हुआ 1986 में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ 1987 में किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, मीन्स प्राथमिक शिक्षा का संबंध ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ, 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ,
तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। 1994 में जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है? जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी योजना जो है क्या है? अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम। डीपीईपी संचालित होता है, ठीक है। डीपीईपी जो है मैंने जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होता है कहाँ, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीईपी क्या है। डीपीईपी जो है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसे कौन संचालित करता है? केंद्र सरकार, ठीक है ना। इसका कार्यक्रम किस दिशा में होता है? अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई। तो मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है ना। जो बच्चों को इंटरवल में भोजन मिलता है वह जो है 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995। अगला पॉइंट है मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। तो मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था कराना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था कराना और लक्ष्य इसका देखिए ध्यान दीजिए, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना उद्देश्य। तो प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना उद्देश्य किसका? मध्याह्न भोजन योजना का, ठीक है ना। मध्याह्न भोजन योजना का मीन्स बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे, उचित पोषण मिलेगा तो उनका पढ़ने में भी मन लगेगा, उस कारण से वो विद्यालय में नामांकित होंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान 2001 में किया गया। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान कब किया गया? 2001 में। और 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी। तो 2001 से पूर्व मिड डे मील में क्या व्यवस्था थी? 3 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह प्रत्येक छात्र को मिलता था। इस 3 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह प्रत्येक छात्र को मिलता था कब? 2001 से पूर्व मिड डे मील में। नेक्स्ट पॉइंट है 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया। तो 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। कौन सा? स्कूल चलो अभियान किसके लिए किया गया था? 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया था। अगला है स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ। तो स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? जुलाई 1996 में। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। किसके माध्यम से? स्कूल चलो अभियान के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
सचल विद्यालय चलाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सचल विद्यालय कहाँ चलाया जाता है? राजस्थान में। मीन्स राजस्थान में व्यवस्था है कि विद्यालय स्थिर नहीं है, विद्यालय गमन करता है, जहाँ बच्चे देखे वहीं पकड़ के पढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना? तो राजस्थान में, इसीलिए अगला क्वेश्चन भी है, भी जानिए, राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, कैसे? सचल विद्यालय द्वारा, ठीक है ना? राजस्थान में सचल विद्यालय द्वारा जो राजस्थान की घुमंतू जनजाति के परिवार के बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाती। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता हेतु बिहार में चलाया जाता है, तो बिहार में चरवाहा विद्यालय, इसको भी इम्पोर्टेंट आप जानिएगा, नहीं तो लोग सोचते हैं कौन सा विद्यालय, तो चरवाहा विद्यालय कहाँ? बिहार में चलाया जाता है प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता हेतु। अगला पॉइंट है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान अंग है किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। स्कूल चलो अभियान अंग है किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। अगला है सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई। मीन्स सर्व शिक्षा अभियान से के नाम से नई संशोधित योजना कब लागू की गई? 2001 से, ठीक है ना? 2001 से। अगला है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, तो सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना? सर्व शिक्षा अभियान किसने चलाया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा, सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। अगला है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना, ठीक है? मैंने सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना, ठीक है भाई? देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है? जो टेट सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो या जो डीएलएड कर रहे हो उनको भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जिससे सीडीपी तो मिलेगी ही, इसके अलावा भी आपको इसके बाद जनरल साइंस की टॉपिक चलेगी, ठीक है? और न्यूज अपडेट भी आपको एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1995 में की गई। अगला है सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, तो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो अगर आप देखे होंगे तो उस पर लिखा है सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। किस ये लोगो किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का। अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ हुई, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ हुई 2004 में, ठीक है ना? 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है, तो किस विद्यालय में? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। ये सुविधा कब से उपलब्ध है? 2004 से।
ठीक है ना, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की जो बालिकाएं हैं दुर्गम क्षेत्र में, उनके लिए आवासीय शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 86वां संशोधन किया। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 86वां संशोधन किया। कब किया था? 2002 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपके चल रही। नेक्स्ट है, 86वें संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया। तो 86वें संशोधन में ही प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। तो इसे किस में सम्मिलित किया गया? मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, 21 अनुच्छेद में वर्णित है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 क में, ठीक है ना, 21 क। अगला है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में, इम्पोर्टेंट है। अगला है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, 21 में अनुच्छेद 28 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत। अगला है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णित है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किस में है? अनुच्छेद 30 में। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस में वर्णित है? अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है ना, कुछ दशाओं में काम मान कार्य शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 41 में। अगला है, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है संविधान में? अनुच्छेद 45 में। और इसी के तहत आपको बता दें, आंगनबाड़ी जो चलती है, आंगनबाड़ी जो है संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत ही चलाई जाती है, ठीक है ना। आंगनबाड़ी का वर्ग है कि 0 से पूर्व माने शैशव पूर्व में भी देखभाल, माने माँ के गर्भ में भी बच्चा है, वहाँ माँ के पोषण है, तो उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो वो 6 वर्ष से पूर्व तक का ब्यौरा रखती हैं। चलिए आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 46। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण अनुच्छेद 46 में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था का वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 350 क, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था जो है, इसका वर्णन
संविधान के अनुच्छेद 350 का में मिलता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक यहीं पूरी समाप्त होती है। ठीक है, तुम्हारी जो आज की टॉपिक थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, देखिए अब आपके जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं एक टॉपिक हमेशा पूरी कंप्लीट करके दे रहे हैं, इसीलिए वीडियो जो है 22-25 मिनट 30 मिनट तक के चले जाते हैं, लेकिन चूंकि टॉपिक को कवर करना है इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहे हैं। चलिए एक बार वही रिक्वेस्ट आपसे फिर से है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना न भूलें, अपने मित्रों को शेयर भी करें जिनके लिए ज़रूरत हो इसकी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और पूरे वीडियो की मैंने CDP की जो है बाल मनोविज्ञान की जो जितने वीडियो हैं सभी के प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाती है, जिससे आप सभी वीडियो एक तरफ से देख भी सकें। ठीक, तो ये आपकी सुविधा के लिए है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।